मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडानू विभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरखेरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक महिला जो अपने 7 महीने के बच्चे को साथ लेकर सहायता राशि पाने के लिए SDM के कार्यालय पहुंची, जहां पर उसे पता चला कि सहायता राशि उसके ससुर के खाते में सागर तहसील से डाल दी गई है। अब सहायता राशि के लिए तहसीली के चक्कर लगाने उसे पड़ रहे हैं। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे पति की मृत्यु सांप के काटने से 14 जुलाई 2022 को हो गई थी। 4 लाख रुपए मिलने वाली सहायता राशि मेरे ससुर के खाते में डाल दी गई। इस संबंध में तहसीलदार सागर LP अहिरवान ने बताया कि बरखेरा निवासी कुलदीप तिवारी की मृत्यु 14 जुलाई 2022 को सांप के काटने से हो गई थी। मृतक के पिता लक्ष्मी प्रसाद तिवारी ने तहसीली में जो आवेदन दिए थे, उसी आवेदन में जो खाता लगा था, उसी में सहायता राशि डाली गई है। इसी ससुर के खाते में डालने के बाद मृतका की पत्नी रुक्मणी तिवारी तहसीली पहुंची, जहां पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। लेकिन अब सवाल यह खड़े होते हैं कि जब मृतक की पत्नी थी तो उसके ससुर के खाते में और मृतक के पिता के खाते में यह पैसे क्यों डाले गए? यह सवाल भी खड़ा प्रशासन के ऊपर जरूर होता है। एक आइडियो भी वायरल है, इस आइडियो को भी आप सुनिए। अतुल विश्वकर्मा, खबर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? रुक्मणी बोल रहे हैं। हाँ आपको? तहसीलदार बोल रहा हूँ मैं, सहायगढ़ से। अच्छा हाँ साहब बोलिए। क्या हुआ था, कुछ सहमति हो रही थी शायद आपके ससुर साहब से, ऐसे मैंने सुना था कुछ? नहीं तो। अच्छा, बात आत नहीं होती आपकी? बात आत नहीं होती उनसे। अच्छा, मुझे कोई मोहल का ही बता रहा था कुछ सहमति हुई थी कुछ बच्चे के नाम FD वगैरह का, ऐसा कुछ मैंने सुना था, इसलिए मैं कॉल लगा रहा हूँ। नहीं नहीं, उनने FD वगैरह कोई नहीं वो किया है। हाँ हाँ, पहले बोलते थे कि FD बनवा दूंगा। FD कितने की बोल रहे थे? एक की बोल रहे थे वो। अच्छा, कम से कम जब पैसे आए थे तब से बोल रहे थे, फिर उसके बाद सुनने अभी तक वो टेले बहाने टाल रहे थे कल परसों ऐसे बोल रहा थी, फिर उनको नोटिस जारी किया है, हम कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हो ये बताओ हमें। हम ये चाहते हैं कि हमें तो कुछ चाहिए नहीं, बस हमारे बेटे के नाम 4 लाख करवा दो, चाहे FD बनवा दो, चाहे जैसे भी डालना हो वैसे करवा दो। देखो ऐसा है, लड़का उनका भी था। ठीक है, नहीं वो अपने मन से, साफ सुनो तो पहले, वो अपने मन से दे देते हमारे लिए के तुम्हारे बेटे तो, के लिए भाई देखो तो बेईमान है, उनका तो रोल खत्म हो गया ना, अब हमारा रोल आ गया ना। हाँ, अब हम बीच में जब इंटरफेयर कर रहे हैं तो कम से कम ऐसा करो कि जैसे मान लो चलो वो सास ससुर हैं या जो भी है, कम से कम ऐसा करो कि आधा उनका हो आधा आपका हो, 2 लाख का अगर आप बोलो तो फिर मैं उसको कार्रवाई करूँ उसके खिलाफ, और 2 लाख रुपये तुम्हारे बेटे के नाम FD बनवाऊँ। मैं अपने इंटरेस्ट से बोल रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा इसके लिए। नहीं वो अब देना ही नहीं चाहते तो इसलिए तो अब नहीं चाहिए उतने जितने वो दे रहे थे, हम नहीं चाहिए उतने। नहीं उनसे हमें मतलब नहीं है, वो हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी है, हमारे पास तो हमारे कान में बात पहुंची तब हम आपको बता रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। नहीं अब तो आप पूरे डलवा दीजिए। नहीं पूरे हमें नहीं डलवाना हो तो फिर केसेस चलेगा, 2-4 साल लग जाएंगे, फिर आप देख लेंगे। हम तो अभी आप बोलो तो अभी जैसे खाते में हमने खाता में रोक लगा दिया, 1.5 लाख खाते में है। हाँ। और हम उनसे कोशिश करेंगे कितने निकलवा सकते हैं, नहीं तो फिर हम तो पुलिस में केस दे देंगे, 2-4 साल चलेगा आपको भी। तो फिर अपने हिसाब से देख लो जितने भी दे। नहीं अपन तो ये चाह रहे 1.5 लाख रुपए, 1,51,000 रुपए बैंक में हमने होल्ड कर दिया, रोक लगा दी। हाँ। जब आपका आवेदन आया था तो 1,51,000 वो हमने पकड़ लिए बैंक में। हाँ। वो हम आपको दिलवा सकते हैं, नगद दिलवा सकते हैं, हम FD करवा देंगे। हाँ। और इनसे कम से कम 50,000 और दिलवाएंगे, कम से कम आधे के लिए तो हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा फिर हमारे बस की बात, फिर न्यायालयीन कार्रवाई होती है, फिर हम इनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, फिर कोर्ट में जाएगा मामला, वो चलता रहेगा फिर जब तक मिले। अभी हम इतना कर सकते हैं, 1,51,000 उनके खाते में है। तो आप 1,51,000 है तो एक और दिला दो उनसे, 1 लाख और। नहीं मुझे नहीं दिलाना, मेरे मुझे तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। जैसे मान लो हम कोशिश करें, मान लो 85 दिए उसने या 60 दिए, वो हम गारंटी नहीं दे सकते, जितने हमारे कब्जे में, जैसे कब्जे में बैंक में अगर 2.5 लाख भी होते, 4 होते, आप तुरंत उसी समय हमें पता चल जाता, उसी समय होल्ड कर देते हैं। हाँ। जब आप आवेदन दिया, जब हमने रोक लगाई, तो उसमें 1,51,000 बचे। अच्छा। 1,51,000 तो हम आपको दिला सकते हैं, उसमें हमारी गारंटी है कि हम आपके खाते में जैसा आप बोलो वैसा करवा देंगे। हाँ। दूसरे के लिए हमने उनको नोटिस जारी किया है। हाँ।
हो सकता है वो 1 लाख रुपए दे या 50 दे, उसका हमारे पास कोई गारंटी नहीं, कोशिश करेंगे लेकर। हाँ कोशिश करिए आपकी एक और दिला दे तो ठीक रहेगा। नहीं हम गारंटी नहीं देते, हो सकता क्या पता खर्च कर दिए हो, कितने हैं क्या है। नहीं ये है कि कम से कम दो तो तुम्हारे बनते हैं, आधा तो तुम्हारा हक है, मालूम आप आपको चलो 4 लाख में 2 लाख उनके पास चले गए तो दो तो तुम्हें मिलना चाहिए, तो हम भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, मिलना तो तुम्हें पूरा चाहिए, पहली बात हमें पता होता तो पूरा ही मिलता, लेकिन अब क्या जैसे खर्च कर दिए टोट में जाएगा, 2-4 साल लगेंगे, तुम भी परेशान होगी हम भी परेशान होगे। तो आप कहो तो हम एक इंक्यावन तो है ही, और हम कोशिश करते हैं कम से कम 50, दो तो हो ही जाएगा, ज्यादा हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, पर दो तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, दो ही दिला दीजिए तो जितना है इसलिए बोल। अब वो आपको नगद चाहिए या बच्चे का FD करवाना वो आप बता दो। आप नगद दिला दीजिए तो जब हो जाएगा FD खाता आता खुलवा लेंगे तो FD बनवा देंगे। ठीक है हम दिलवा देंगे, आप सोमवार मंगलवार को हम आपको कॉल करेंगे, अभी तो ये मैडम के नंबर से या तो मैडम लगाएगी या मेरा नंबर 86 है, मैं आपको कॉल करूंगा। ठीक है मंगलवार को उनको बुलाएंगे हम, नोटिस हमने भेजा है। हाँ तो मंगलवार को ही तहसील में उनको बुलाएंगे। हाँ आपके सामने ही बुलाएंगे। अच्छा ठीक है आपके सामने बात वो खो सकते तो चार ही दिला देते ना। अरे हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे हाथ से तो निकल गई ना, हमारे हाथ से तो अगर उसी समय पहले आप अगर तहसील आ जाते तो कोई बात ही नहीं थी, तो पूरा मिलता है, उन्होंने बैंक से पैसे निकाल लिए ना, जब आदमी निकाल लेता है तो फिर वो हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारी कार्रवाई वही है कि फिर हम पुलिस को पत्र लिखेंगे, वो केस पुलिस में जाएगा। हाँ। सो फिर वो कोर्ट से तो पता ही है आपको, 1 साल लगे 2 साल लगे, फिर वो अजीब टाइप का मैटर रहता है। हाँ। फिर लास्ट में फिर आपको ही पछतावा होगा कि वो आपने गलत कर दी, क्योंकि बाद में हम ही फिर वापस नहीं ले पाएंगे कोर्ट से केस। हम तो ये लिखेंगे ना 420 का लिखेंगे कि ये महिला के नाम पैसे मिलना चाहिए था और ये ने अपना खाता दे दिया, 420 का केस बनता है, तो पुलिस केस तो आपको पता ही है, फिर वो कोर्ट वोट में चलेगा, दुनिया भरेगा नाटक वोटक। हाँ ठीक है तो हम फिर बताते हैं आपके लिए। और ऐसे में हमारे हाथ में रहता है 1 इंक्यावन उनके पास है, बाकी हम कोशिश करते हैं हम भाई 1 मिल दे दें, 80 दे दें, 50 दे दें, 50 तो कम से कम 2 लाख तो आपके बन रहे, और जितना ज्यादा मिल जाएगा हम आपको दिला देंगे। हाँ आप यही करना कि एक मतलब एक चलो उनको, अब हमारे पास नंबर नहीं है, हम बात करते हैं उनसे बुलवाते हैं।